स्टूडेंट अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम क्लोज्ड फिगर यानी क्लोज्ड पॉलीगन पे बेस्ड कराता हूँ। ये क्लोज्ड फिगर मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं वो ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल पर बेस्ड होते हैं और कभी कभार पैरेललोग्राम या रोम्बस पर भी आ जाते हैं। मैं इन फिगर्स पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। यानी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायगोनल 60 मीटर ज्यादा है, मोर है शॉर्टर साइड से। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अगर लॉन्गर साइड क्या है रेक्टेंगुलर फील्ड की, शॉर्टर साइड से 60 मीटर 30 मीटर ज्यादा है। सो फाइंड द साइड्स ऑफ फील्ड, उस फील्ड की साइड्स के बारे में निकालिए, बताइए। सो स्टूडेंट सी, इफ ए बी सी डी इज द रेक्टेंगुलर फील्ड, ये ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड है। यहां पर अगर मैं शॉर्टर साइड को एक्स मान लेता हूं, शॉर्टर साइड को क्या मानता हूं, एक्स मानता हूं, तो लॉन्गर साइड मेरी क्या हो जाएगी, 30 मीटर मोर देन इज एक्स प्लस 30। एंड अगेन डायगोनल कितना हो जाएगा, 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इज x plus 60 meter. So these are the sides and this is diagonal. So assume कीजिए student, shorter side x, longer side x plus 30 and diagonal x plus 60, all are in the meter, sub meters में। Student अब अगर हम अपना concentration A B C D इस triangle पर लगाएं, only A B C पर, इस ट्रायंगल को अगर हम देखें, यहां पर एक राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जहां B कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये साइड क्या है, एक रेक्टेंगल की साइड है, तो ईच एंगल वहां 90 डिग्री होता है। ए बी सी क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। सो राइट ट्रायंगल है तो यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, इन तीनों साइड्स के बीच का कोई रिलेशन होता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, यहां हाइपोटेन्यूज का काम ए सी करेगा, सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दिस इज नाउ ए बी इज इक्वल टू एक्स, बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 30 एंड ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 60, इन पर स्क्वायर। नाउ एक्स प्लस 30 को एक्सपेंड कीजिए, एक्स स्क्वायर, 30 स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 30 स्क्वायर इज 930 इंटू 30 प्लस 2ab, that is 2 into x into 30, 60x. Now, x plus 60 को expand कीजिए, x square plus 60 into 60 is 3600. Now, 2 into x into 60 is 120x. Now, अब right hand side की सारी terms को left hand side पर transfer कर दीजिए, तो ये negative हो जाएंगे तीनों terms, see here, like this. Now, x square is 2x square. So, 2x square minus x square will become x square plus 60x minus 120x will minus 60x and 900 minus 3600 will become 2700 is equal to 0. Student, ये हमारी quadratic equation form हो गई है here. अब इसको आप factorization कराइए या किसी और method से और इसे सॉल्व कीजिए। तो फैक्टराइजेशन कराना यहाँ पर इजी होगा क्योंकि हमें यहाँ पर फैक्टर दिख रहे हैं 27 एंड 6। आप जीरो को छोड़िए, 27 और 6 पर कंसेंट्रेट करेंगे तो आपको फैक्टर मिल जाएंगे। स्टूडेंट 6 को अगर मैं 6 को मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट, 9 माइनस 3 and 9 into 3 is 27, so 60 can be written as 60 is equal to 90 minus 30 and 90 minus 30 is 2700. So yahan factor hame mil gaya minus 90x plus 30x, dono ki multiplication फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आएगी। सो एक्सपेंड यहां से इस टर्म से
हम इन दो टर्म से कॉमन लेंगे, x स्क्वायर माइनस 90x से x कॉमन लिया x माइनस 90, लास्ट टू टर्म से प्लस 30 कॉमन लीजिए x माइनस 90 अगेन। नाउ x माइनस 90 को कॉमन लिया तो x प्लस 30 सेकंड ब्रैकेट में। नाउ व्हेन x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 30, x क्या थी स्टूडेंट, शॉर्टर साइड थी, तो क्या शॉर्टर साइड नेगेटिव हो सकती है? कोई भी साइड क्या, एक लेंथ है, और कोई भी लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, सो इट इज नॉट पॉसिबल, विच कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज लेंथ कांट बी नेगेटिव। सो इस आंसर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट, अगर x माइनस 90 को जीरो पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 90, यानी शॉर्टर साइड 90, यानी 90 मीटर है, दिस कैन बी पॉसिबल। सो शॉर्टर साइड इज 90 मीटर एंड लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन 90, 90 प्लस 30 इज 120 मीटर। तो इस तरह से आपकी साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑब्टेंड हो गई। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन करते हैं। सो सी द क्वेश्चन, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, यानी दो स्क्वायर हैं, उन दोनों के एरिया का सम कितना है, 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, उनके पेरीमीटर का डिफरेंस, यानी दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है, 24 मीटर। तो स्टूडेंट जब पेरीमीटर का डिफरेंस कुछ है जो कि 24 है, तो इसका मतलब एक स्क्वायर बड़ा होगा और दूसरा उसके कंपैरिजन में छोटा होगा, तभी डिफरेंस आ सकता है पेरीमीटर्स का, क्योंकि पेरीमीटर्स क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ द साइड। नाउ फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, यानी उन स्क्वायर की साइड्स के बारे में साइड्स को कैलकुलेट कीजिए, फाइंड कीजिए। सो स्टूडेंट यहां पर मैं क्या मानूंगा, दो स्क्वायर, एक की साइड ए मीटर और दूसरे की साइड बी मीटर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है एरिया 468 मीटर स्क्वायर में, मीटर में दे रखा है, तो यहां पर लेंथ मीटर्स मिलेंगे। तो यहां पर एक स्क्वायर जो बड़ा है उसे ए साइड ए मीटर साइड का लेते हैं और दूसरा स्क्वायर जो छोटा है उसे बी मीटर का लेते हैं। सो एज्यूम लाइक द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज ए इन मीटर्स एंड सेकेंड स्क्वायर की साइड बी मीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर विल बिकम 4a एंड सेकेंड का 4b। नाउ पेरीमीटर इज 4a 4b। सो अब 4a 4b यहां पर मैं एज्यूम करता हूं स्टूडेंट a ग्रेटर देन बी, मैंने एज्यूम किया है ना कि ये a वाला जो है स्क्वायर वो बड़ा है b से, तो यहाँ डिफरेंस कैसे आएगा पेरीमीटर का, 4a माइनस 4b, 4a माइनस 4b दैट इज 4 कॉमन ले लीजिए, 4 इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 24, ये 24 के बराबर है। नाउ यहां से हमें a की वैल्यू b के अकॉर्डिंग मिल गई, यानी यहाँ 4 से 24 को डिवाइड कराएंगे तो कितना होगा, 24 बाई 4 इज 6, सो a इज इक्वल टू b प्लस 6, इक्वेशन 1 मान लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे ए और बी दोनों वेरिएबल लेके तो हम इक्वेशन बना नहीं सकते। नाउ अब दूसरी कंडीशन क्या कहती थी, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर साइड इनटू साइड, सेकंड स्क्वायर का एरिया बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर द सम ऑफ द एरियाज दैट इज इक्वल टू 468। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 468। यहाँ e की वैल्यू जो कि हमने निकाली है b प्लस 6 पुट करा दी। नाउ अब एक्सपेंड करिए, सो एक्सपेंड किया b स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 468। नाउ b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर एंड 12b प्लस 36 468 को लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर कीजिए, माइनस 468। नाउ दिस विल बिकम 2b square plus 12b plus 36 minus 468 will become 432 minus. Now, यहां देखिए स्टूडेंट हर टर्म 2 की मल्टीपल है, इवन है तो 2 कॉमन ले लीजिए, इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी, फैक्टर निकालना इजी होंगे, तो 2 कॉमन लेने के बाद 10 will become b square 6b and 216 equal to 0. Now, इस 2 को राइट हैंड साइड पर जीरो के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, जीरो हो जाएगा। सो बी स्क्वायर प्लस 6b माइनस 216। अब ये जो इक्वेशन हमें मिलेगी, दिस बी स्क्वायर प्लस 6b माइनस 216,
इसके फैक्टर अगर हम कराएं तो 216 का एक फैक्टर 18 × 12 आता है, और 18 में से 12 गए तो 6 भी मिलता है, तो यहाँ फैक्टराइजेशन भी हो गया स्टूडेंट। सो बी स्क्वायर प्लस 18b - 12b - 216। स्टूडेंट फैक्टराइजेशन पता करने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि इक्वेशन देखते ही आपके माइंड में फैक्टर आ जाएं। उसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए एंड अगेन उसके फैक्टर निकालिए। सो जब फैक्टर मिल जाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, अगेन कॉमन लिया हमने, यहां से बी कॉमन लिया बी प्लस 18, यहां से कितना कॉमन आएगा -12 आ सकता है, -12 कॉमन लिया b प्लस 18, नाउ b प्लस 18 एंड b माइनस 12। सो व्हेन b प्लस 18 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू माइनस 18, और b क्या था, स्मॉलर स्क्वायर की साइड जो नेगेटिव हो सकती है स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं हो सकती बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। सो व्हेन b माइनस 12 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 12। सो स्मॉलर जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है, 12 मीटर। सो लार्जर हमारा क्या था, बड़े स्क्वायर की साइड a थी जो कि b प्लस 6 के बराबर थी, दैट विल बिकम 12 प्लस 6 18 मीटर। तो यहां पर साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल आ गई हैं, दोनों की ट्रायंगल्स की, दोनों सॉरी स्क्वायर्स की साइड आ गई जो कि 18 मीटर एंड 12 मीटर है।